गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन यार, रेविटअप का एक्सीडेंट हो गया इसके लिए वीडियोस नहीं आ रहे, और उसके बाद मेरे को आने वाले डीएम्स की भाई तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं। आप में से जितने सारे जनों ने डीएम करके पूछा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करेंगे क्यों मैं एक्टिव नहीं था चैनल के ऊपर उसके बारे में। सबसे पहली बात यह कि फर्स्ट वीक ऑफ मई मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद 8 तारीख को मुझे एक मेल आया साइबर क्राइम एडवाइजर ACP प्रद्युम्न काइंड ऑफ थिंग, जस्ट किडिंग, लॉयर का मेल आया था, जो कि एक मैंने वीडियो बनाया था उसकी क्लाइंट के ड्राइवर के ऊपर, जहाँ पे मैंने उसको कन्फ्रंट किया था फ़ोन पे बात कर, जो यू टर्न ले रहा था, मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ी थी। और उसके बाद उसने काफ़ी सारे क्लेम्स किए थे वो मेल के अंदर कि मैंने उसके ड्राइवर को ब्लैकमेल किया है कि मैं फुटेज पुलिस को दिखाऊंगा, मैंने यूट्यूब पर डाल दी, उसका फेस रिवील कर दिया है एंड वॉट नॉट। नाउ टेक्निकली मैंने उस ईमेल को इग्नोर कर दिया, क्योंकि गाइस मेल के अंदर काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, और एट फर्स्ट आई पर्सनली थॉट दैट कि दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ स्पैमर हु इज जस्ट फ्लिपिंग अराउंड एंड सम काइंड ऑफ हेटर। आई स्टिल फील कोई हेटर ही था। टेक्निकली अगर ड्राइवर होगा तो वो लॉयर वगैरह हायर करने की सोच नहीं रखेगा। नाउ स्पेशल थैंक्स टू सलीम भाई MSK ब्लॉग्स, जिन्होंने इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली मुझे गाइड किया कि क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई पर्सनली फील दैट कि जो कुछ एक्सपीरियंस आया है पिछले कुछ दिनों में, आई वॉज डिप्रेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार जब आप एफर्ट्स डालते हो उसके बाद आपको कोई ऐसा मेल आता है तो सच्ची में थोड़ा बुरा तो लगता ही है गाइज। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैं आइडेंटिटी रिवील करता हूँ लोगों की, जहाँ पर मुझे लगेगा कि यार थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, वहाँ पे मैं लोगों का फेस ब्लर कर दूंगा। हालांकि नंबर प्लेट में शो कर दूंगा डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोस के अंदर, बट क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है, महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस को अगर कुछ एक्शन लेनी है तो वो ले सकते हैं। नाउ आई एम हियर एट इन्फिनिटी बैक रोड टू रिव्यू दिस स्टीलबर्ड SBH-10। नाउ दिस इज एक्चुअली द रिव्यू यूनिट। आई एम टेस्टिंग दिस हेलमेट फ्रॉम पास्ट 4-5 डेज, और पीछे आप SZR पे देख रहे हो वो है ब्रांड न्यू SBH-10 मैट ब्लैक और फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर का, जो कि होगा गिव अवे के लिए। अब गिव अवे के डिटेल्स इंस्टाग्राम हैंडल पे दे दूंगा मैं, तो वहाँ पे आप फॉलो करो तो अच्छा है, पहले से आपको लीड है। अगर नहीं करो तो अभी कर लो, revitup.official इज द ID। तो अब इसके अनबॉक्सिंग करेंगे यहाँ पे, और फिर ब्रीफिंग दूंगा, प्रोज कॉन्स का आपको इस वीडियो में बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस दिस इज द बॉक्स पैक एंड द प्राइसिंग डिटेल्स। The model name is Bunker Rack SBH-10 and open face helmet. Now, this is actually a PT pack model, and one of you guys can actually win this. All you need to do is follow the instructions on my Instagram handle, and that's all you need to do. Now, Steelbird mentioned in the media press release brochure kind of thing, they actually launched this product for Royal Enfield owners at the same time, the cruiser guys who actually prefer the retro classic look while they are traveling. Now apart from that, what I personally feel is if you are a scooter guy, you can actually buy this helmet, because under seat storage half face helmets go perfectly well. If you are a commuter guy, office to home or college to home, if you are a student, then you can buy this thing. And the last category what I feel is the pillion prime. Now जब भी मैं अपनी माँ को बोलता हूँ यार हेलमेट पहन के चल बाइक पर बैठ के, बिकॉज शी डोंट नो हाउ टू राइड एंड शी इज़ नॉट एक्चुअली यूज टू हेलमेट्स, सो द वन कंप्लेंट विच शी ऑलवेज हैज़ इज शी काइंड ऑफ फील सफोकेटेड इन साइड फुल फेस हेलमेट, एंड आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ ऑल द पीपल हु आर नॉट फेमिलियर और यूज टू द हेलमेट्स। So half face helmets can be a perfect choice for them, and these are all the categories. Now safety wise, yes, there is no jaw protection, however on the media press release the company said that this is actually ECE 22.05 certified helmet, however I couldn't find any sticker of that, but yes I do find ISI certification, which is Indian safety standards certification on this helmet. So safety wise this is quite good. Now talking about the features I liked about this helmet is that the way it fits on your head. Now most of the helmets, half face helmets, what you feel is sir ke piche ki taraf kafi zyada weight lagta hai, but isme weight distribution jo hai wo kafi zyada acche se kiya gaya hai,
तो ऐसा नहीं लगता यार कि आपका जो सिर का पिछला हिस्सा है वहाँ पे ही वेट है। सेकंड थिंग, हेलमेट काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने के कारण राइडिंग विद इन सिटी नो इश्यूज़, डीलिंग विद पॉट होल्स नो इश्यूज़, तो नेक पेन जो होता है आपको वो काफ़ी ज़्यादा हद मात्रा में अवॉइड कर सकते हो आप। नाउ स्ट्रैप भी नॉर्मल दिया गया है तो प्रैक्टिकल है, यहाँ पे ट्रैफिक में हेलमेट निकालना उतारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। वाइज़र की बात करें तो दिस इज़ एक्चुअली योर ट्रांसपेरेंट वाइज़र, सो आप इसको डे में और नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है या फिर आप ज़्यादा एयर चाहते हो तो आप वाइज़र ओपन रख के भी चला सकते हो। नाउ इट एक्चुअली काइंड ऑफ फील्स रियली गुड, बिकॉज मैंने SBA 2 के रिव्यू के टाइम पे बोला था कि हेलमेट की पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी, और इवन दो दिस इज़ एक्चुअली अ बजट हेलमेट, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द पैडिंग दिस टाइम, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ थिक एंड फील्स मच मोर कॉन्फिडेंस। काफ़ी ज़्यादा फोम यहाँ पे यूज़ किया गया है कंफर्ट देने के लिए हेलमेट के अंदर, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड एंड ह्यूज थम्स अप फॉर दैट। नाउ द हेलमेट पैडिंग लाइनर इज़ एक्चुअली रिमूवेबल, और हाफ फेस हेलमेट में ये यूजुअली देखने नहीं मिलता, हाउएवर इन दिस हेलमेट यू कैन एक्चुअली रिमूव द पैडिंग, यू कैन वॉश इट एंड देन अगेन यू कैन इंस्टॉल इट, सो यू कैन एक्चुअली मेंटेन द हाइजीन इनसाइड योर हेलमेट एंड कैन फील काइंड ऑफ फ्रेश। अंधेरा होना नहीं चाहिए था रिव्यू कंप्लीट करने तक, बट अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे एक पपी था तो मैं गया ढूंढने के लिए पार्ले जी बिस्किट कहाँ पे मिलता है, तो और वो आने तक तो पपी गायब हो गया यहाँ से, तो फिर रिव्यू शूट किया अभी वापस तो वही सेम स्पॉट पे आ गए, अब मिल तो नहीं रहा है वो। एनीवेज आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू डिड देन लीव अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल एंड राइड सेफ एंड डोंट बी अ स्पिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।